हाय दोस्तों, कैसे हैं? अभी आपके सामने जो वीडियो पेश कर रहा हूँ, ये आपके यानी पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में बताऊंगा मैं। आज तीन चीज़ की बारे में, यानी तीन चीज़ की जो सिंपल थ्योरी है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। एक तो है रेजिस्टेंस के बारे में, दूसरा कैपेसिटर और कंडेंसर के बारे में, और तीसरा जो है यानी बैटरी के बारे में। बैटरी किस तरह हम सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे तो क्या क्या उसमें यानी कितना वोल्ट आएगा, क्या एम्पियर बढ़ेगी कमेगी, उसके बारे में हम मैंने जानकारी दूंगा थोड़ा बहुत। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस के मैंने डायग्राम बनाया है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल की डायग्राम है, यानी एक 4.7 की रेजिस्टेंस, 4.7 के हाफ वाट की रेजिस्टेंस, दो मैंने यहाँ पैरेलल किया है। इसको बताते हैं, दोनों मिलाएंगे तो ये पैरेलल यानी कनेक्शन है। देखिए, ये 4.7 के और ये भी 4.7 के, दोनों अगर पैरेलल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.3 के और हाफ वाट, 1 वाट हो जाएगा। यानी ये हाफ वाट की मिलके ये 1 वाट हो जाएगा। अगर हम यानी 8.2 के मैंने लिया हूँ क्वार्टर वाट की और दो लिया हूँ, इसको सीरीज में किया हूँ। सीरीज करने से क्या होता है कि उसकी जो रेजिस्टेंस की पावर डबल हो जाती है, यानी 16.4 के हो जाएगा, और यानी उसका जो वाट वही रहेगा, यानी ये जो क्वार्टर वाट है 1/4 वाट, 1/4 वाट ही रहेगा। देखिए, अभी प्रैक्टिकल करते हैं इसके बारे में। ये देखिए, 4.7 के की रेजिस्टेंस ये है, ये 4.7 के की कलर कोड है, ये हाफ वाट की रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस दे रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये भी 4.7 की रेजिस्टेंस है। इसको दोनों को अगर ऐसा मिला देंगे तो ये पैरेलल हो गया। अब इसका वैल्यू दोनों मिलके क्या हो गया, 2.3 के हाफ 1 वाट हो गया, यानी हाफ वाट मिलके ये 1 वाट हो गई। देखिए, अभी इसको हम यानी मीटर में चेक कर। देखिए, ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें मैंने दिया है 200 के रेंज में दिया हूँ। अब रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं। देखिए, ये आ गया 4.4 के है, और दूसरी वाली जो है ये भी 4.4 की है, यानी इसमें 5% प्लस और माइनस 5% टॉलरेंस रहता है। अब देखिए, इसको मैं दोनों को पैरेलल कर देता हूँ। ये हो गई पैरेलल, इसको बताते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब इसको ये हो गया 1 वाट की हो गई। अब इसकी जो वैल्यू है इसको देखते हैं। देखिए, ये 2.2 गई, यानी जितना था उसकी आधी हो गई। ये कितना था, 4.7 के लिखा है, यानी इसमें ये कलर कोड के हिसाब से, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा कम रहता है। अब देखिए, ये कितना हो गया, 2.2 के हो गई। जितना रहेगा पैरेलल में उसकी हाफ हो जाएगा, दो अगर मिला देंगे तो हाफ हो जाएगा। अगर 4.7 के दो रहे हैं तो 2.3 के उसकी हाफ हो जाएगा, और दो रेजिस्टेंस जितना वाट का रहेगा उतना वाट प्लस प्लस उतना वाट हो जाएगा। यानी ये हाफ वाट है, ये हाफ वाट है, ये 1 वाट बन गया। ये अब 1 वाट की 2.3 के यानी 2.2 के रेजिस्टेंस है। देखिए, और एक बार देख लीजिए, 1 वाट 2.2 के। इसी तरह हम अगर इसी रेजिस्टेंस को अगर हम यानी सीरीज करेंगे, देखिए ये जो है 8.2 के की रेजिस्टेंस है कलर कोड के हिसाब से। ये 8.2 के को अगर पैरेलल करेंगे तो कितना होगा, देखिए पहले इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कितना के की रेजिस्टेंस है। ये देखिए, मीटर में शो कर रहा है 8.3 के एक दिखा रहा है और 7.9 के दिखा रहा है, यानी 5% इधर उधर रहता है। अब देखिए, इसको दोनों को हमने इसको इसको पैरेलल कर दिया, दोनों को अगर पैरेलल करके जोड़ देंगे तो 4.4 के हो गया, यानी उसकी आधी हो जाती है। ये कितना है, क्वार्टर वाट की है। अब ये अगर दोनों में जोड़ देंगे तो ये 4 के हाफ वाट की बन गई। इसी तरह अगर इसको सीरीज कर देंगे, देखिए ये मोड़ दिए हैं, अब इधर इधर कनेक्शन देंगे तो ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज हो गया। यहाँ यहाँ से अगर कनेक्शन लेंगे तो सीरीज होगी। अब सीरीज में क्या होगा, देखिए ये इसका वैल्यू है 16.2 के। देखिए, मैं यहाँ डायग्राम में आपको बताया हूँ, दिखाया हूँ 8.2 के दोनों मिलकर 16.4 के, और वाटेज में कोई बदलाव नहीं, वही 1/4 वाट रहता है। ठीक है, वही 16.16 के दिखा रहा है। देखिए, ये यहाँ मीटर में शो कर रहा है 16 के दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मालूम हुआ कि अगर रेजिस्टेंस दो अगर हम पैरेलल करेंगे तो जो वैल्यू रहेगा उसका हाफ हो जाएगा, और जो वाट रहेगा दोनों वाट मिलके प्लस हो जाएगा, यानी
हाफ वाट 108 हो गई, और 4.7 के की हाफ 2.3 हो गई, 3 हाफ ऐसा हो जाएगा। और अगर सीरीज करेंगे तो दोनों मिल के अगर 8.2 के दोनों मिला दिए सीरीज में तो 16.4 के हो गई, और वाट में कोई बढ़ोतरी नहीं है, वाट वही रहा। इसी तरह देखिए, और एक मैं यहाँ ये डायग्राम बनाया हूँ, ये कैपेसिटर की ये सिंबल है, दो कैपेसिटर को मैंने जोड़ दिया है, 2.5 mF की दो कैपेसिटर को जोड़ने से यहाँ हो जाएगा 5 mF 440 वोल्ट। ये देखिए कैपेसिटर, ये फैन की कैपेसिटर है, फैन में मोटर वगैरह में लग रहा है ऐसे कैपेसिटर। अगर हम इसको ये जो एसी कैपेसिटर है इसका कोई प्लस माइनस नहीं है, यानी जो जिस तरफ लगा सकते हैं इसको। ये देखिए ये नहीं, हमने जोड़ दिया इसका एक लेग, इसका एक ये, इसको बताते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब ये हो गया 5 mF हो गया, 5 mF 440 वोल्ट हो गया। इसी तरह इसका भी सीरीज है, सीरीज में क्या होगा, ये वही mF वही रहेगा इसमें, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाएगा। देखिए ये कंडेंसर है, कंडेंसर में भी वही है, ये देखिए कंडेंसर की मैंने डायग्राम बनाया है। कंडेंसर में प्लस और माइनस रहता है, ये 2225 की यानी 2225 की mF की कैपेसिटर कंडेंसर है। अब इसको हमने यहाँ दो पैरेलल कर दिया, पैरेलल मतलब इसका प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस दोनों मिल गया तो पैरेलल हो गया। इसमें क्या होगा कि 2200 2400 mF हो गया, 4400 mF हो गया, और वोल्टेज वही रहा। देखिए रेजिस्टेंस का काम ये है, लगभग एक आसान सा थियोरी ये है कि ऑपोजिशन टू करंट फ्लो, करंट का फ्लो जो हो रहा है उसको अपोज करेगा, ये जो है करंट का जो फ्लो है उसको अपोज करेगा, यानी करंट को यानी कम से कम करेगा, अपोज करेगा, उसको कम करके देगा। यानी कंडेंसर का जो काम है बता रहा हूँ कि इसका काम ये है अपोज डीसी पास डीसी, ये डीसी को अपोज करेगा और एसी को पास करेगा, डीसी को अपोज करेगा और एसी को पास करेगा, इसका काम यही है। यानी जो ब्रेक आएगा करंट सप्लाई में, जो ब्रेक आएगा वो उसी ब्रेक का टाइम में ये कैपेसिटर जो है उसका फ्लो देगा, उसका करंट यानी उसका जो चार्ज छोड़ेगा, उधर से बंद हुआ ये चार्ज छोड़ेगा, यानी ट्रिगर देता रहेगा, अगर करंट को ये फिल्टर करता रहेगा। इसका जो डायग्राम है जैसे देखिए, इसका अगर ऑसिलोस्कोप में डालेंगे, अगर एसी ऐसा रहेगा तो इसका बीच में जो गैप आता है, इसमें इसका अंदर जो गैप आएगा, ये गैप को जो है ये कैपेसिटर जो है इसका फिलअप करेगी, ये करंट सप्लाई करेगा। यानी ये जो यहाँ से यहाँ जो गैप हो गया सप्लाई में, ये वो सप्लाई को ये पूरा कर देगा, ये साइकिल को ये पूरा कर देगा, जो साइकिल बीच में टूट जाता है उस साइकिल को ये पूरा कर देगा। अब चलिए इसका बात छोड़ते हैं, अभी आपको बैटरी के बारे में बताता हूँ। बैटरी देखिए, ये देखिए बैटरी का मैंने एक डायग्राम बनाया हूँ, ये बैटरी की कनेक्शन की। ये देखिए 12 वोल्ट 65 एच की ये इन्वर्टर वगैरह में लगाने के लिए आपको ये काम आ जाएगा इस नॉलेज को, और आपको मालूम भी होगा। ये देखिए ये मैंने इसको सीरीज किया है, ये बैटरी सीरीज किया है। ये देखिए ये प्लस को माइनस लगा दिया और जोड़ दिया, और एक माइनस और एक प्लस निकाल के बाहर निकाल दिया। ये देखिए इसमें जो है वोल्टेज है 24 वोल्ट है, और एम्पियर जो है 65 Ah है, इसमें भी 65 Ah, इसमें भी 65 Ah, लेकिन यहाँ सीरीज में एम्पियर इसमें प्लस नहीं होगा, सिर्फ वोल्टेज जो है दोनों प्लस हो जाएगा। इसका आउटपुट में 24 वोल्ट आउटपुट निकलेगा और एम्पियर लेकिन वही 65 Ah ही रहेगा, यानी एम्पियर इसमें कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज बढ़ जाएगा। आपको अगर सीरीज कनेक्शन देना है तो ऐसे देना है, और अगर आपको अगर पैरेलल देना है, आपका एक बैटरी है, दो बैटरी है और 12 वोल्ट की इन्वर्टर है, उसमें अगर दो बैटरी कनेक्शन देना है तो ऐसे देना है, प्लस को प्लस लगा देना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा देना है, और नेगेटिव को नेगेटिव जोड़ देना है। तो इसमें क्या होता है, देखिए वही 12 वोल्ट रहा है, वही 12 वोल्ट 65 Ah की बैटरी है, 12 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा लेकिन एम्पियर जो है प्लस हो जाएगा। ये 65 Ah प्लस 65, ये 130 Ah की एम्पियर हो गई आउटपुट, और 12 वोल्ट हो गई आउटपुट, यानी वोल्टेज कांस्टेंट और एम्पियर डबल।
इसमें क्या सीरीज में क्या कनेक्शन, सीरीज में वोल्टेज डबल हो जाता है और एम्पियर कांस्टेंट रहता है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और एम्पियर डबल हो जाता है। आइए अभी इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बैटरी में देखिए, मैंने यहाँ 12 वोल्ट की दो बैटरी लिया है, 12 वोल्ट 65 Ah की दो बैटरी मैंने यहाँ पैरेलल करके दिखा रहा हूँ। देखिए दो बैटरी मैंने यहाँ पैरेलल कर दिया है। पैरेलल यानी जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये देखिए, ये प्लस को प्लस लगा देना और माइनस को माइनस जोड़ देना, ये पैरेलल हो गई। यहाँ इस तरह मैंने यहाँ प्लस से और इसका प्लस को मैंने जोड़ दिया है और ये माइनस को ये माइनस जोड़ दिया। देखिए पहले बैटरी की वोल्टेज हमने मेजर करेंगे, ये यहाँ इसका प्लस है और इसका ये माइनस है। देखिए मीटर में शो कर रहा है 12 वोल्ट, ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट, दोनों जोड़ने से भी वही 12 वोल्ट रहेगा। देखिए मैं दोनों जोड़ दिया हूँ, वही 12 वोल्ट रहेगा, लेकिन ये जो इसका एम्पियर जो है डबल हो जाएगा। अब यहाँ से हम कनेक्शन ले सकते हैं, इन्वर्टर वगैरह को 12 वोल्ट के इन्वर्टर को लगा सकते हैं। आइए इसको सीरीज करके कर देखते हैं कैसा सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज में कुछ नहीं। आए दोस्तों, मैंने इसको सीरीज कनेक्शन दे दिया है, सीरीज में कुछ नहीं। इसका जो प्लस है माइनस में जोड़ देना है, एक बैटरी का प्लस दूसरी बैटरी का माइनस में जोड़ना है और ये प्लस और ये माइनस को हम यूज़ करना है। जैसे देखिए डायग्राम में मैंने दिखाया हूँ, ये दोनों 65 Ah की बैटरी है, जो भी बैटरी आप टच करें प्लस को माइनस में जोड़ दिया हूँ और इस तरह से माइनस प्लस ये 24 वोल्ट निकलेगा। ये देखिए अभी हमने इसको एक बैटरी को मेजर करते हैं। देखिए ये 11 वोल्ट दिखा रहा है, बैटरी डाउन है। आप इसको देखिए, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ अगर हम चेक करेंगे 24 वोल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, 24 वोल्ट। इसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज डबल हो गई, लेकिन एम्पियर वही 65 Ah एम्पियर रहेगा और वोल्टेज डबल हो गई 24 वोल्ट। इस ऐसे करके हम इन्वर्टर हम यूज़ कर सकते हैं, दो बैटरी का या तीन बैटरी का, कैसे भी आपको इन्वर्टर यूज़ करना है वैसे कर सकते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो था, सिर्फ यानी पैरेलल और सीरीज के बारे में कनेक्शन एक मोटा मोटी का हिसाब बताया मैंने। इसका थ्योरी तो अंदर बहुत सारा है, इसका पढ़ाई बहुत है और मैंने भी किया है, और आप भी अगर पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगा। ये जो है सिंपल थ्योरी था और ये थ्योरी पूरे करेक्ट थ्योरी है। हमने ऐसे थ्योरी में हम जो ऑनलाइन की बैटरी हो या ऑफलाइन की बैटरी हो, हम सब इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद।